वो है बी एम एस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ये मैनेजमेंट रिलेटेड आस्पेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करता है और बिजनेस रन करने के जितने भी टेक्निक्स होती हैं जितनी भी चीजें होती हैं जो कि जाननी जरूरी है बिजनेस को ओपन करने से पहले वो सारी चीजों के बारे में आपको अवेयर करवाता है चलिए इस कोर्स के बारे में करते हैं थोड़ा बहुत हम डिस्कशन तीन साल का ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि एनालिटिकल आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट अच्छा यहां पर ना प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाता है अगर हम इसको बीबीए कोर्स से कंपेयर करें तो वहां पर थोड़ा सा पार्ट ज्यादा है लेकिन यहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नेचर इंटर्नशिप वगैरह इंडस्ट्री विजिट पे ज्यादा फोकस करा जाता है एक्चुअल में जो चीजें आप करने वाले हैं जॉब एंडमेंट में वो चीजों पे ज्यादा फोकस करवाया जाता है बीएमएस कोर्स हेल्प इन डेवलपिंग मैनेजेरियल स्किल सच एस कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप रिपोर्टिंग एंड टीम वर्क जितनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एक मैनेजर में स्किल होनी चाहिए उन सारी स्किल के बारे में आपको समझाया जाता है और वो टेक्निक्स बताई जाती है जिसके थ्रू वो सारी स्किल्स आप खुद में भी इनबिल्ड कर सकें ठीक है बच्चा आगे बढ़े बी एम एस की जो फीस होती है वो दो लाख तक होती है पर ईयर तो नियर अबाउट फाइव टू सिक्स लैख में आपका तीन साल का बीएमएस कोर्स कंप्लीट हो सकता है अगर हम सैलरी पैकेजेस वगैरह की बात करें तो थ्री टू सिक्स लैख पर एन तक आपका सैलरी पैकेज जा सकता है वो डिपेंड करता है आ, किस कॉलेज से आप कर रहे हैं किस ऑर्गेनाइजेशन में आपका आ, आपका प्लेसमेंट हुआ है आप किस लोकेशन में वर्क कर रहे हैं वो सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपका सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा जाएगा एक एवरेज सैलरी पैकेज जाएगा दैट मेक सेंस क्लियर हो पा रहा है चलिए बीएमएस के कॉलेजेस की बात करेंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो कि बीएमएस ऑफर करते हैं वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं टॉप फिफ्टीन कॉलेजेस की ये पर लिस्ट है नरसिंमोहन जी मुंबई शहीद सुखदेव न्यू दिल्ली दीनदयाल न्यू दिल्ली सेंट जेवियर मुंबई मीठी कॉलेज मुंबई जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली जय हिंद कॉलेज मुंबई आर कोलकाता केशव महाविद्यालय न्यू दिल्ली श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली रिच कॉलेज मुंबई तो ये हमारे टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं अभी एडमिशन ओपन है अगर आप नियर अबाउट मार्च से लेकर अप्रैल का टाइम देखते हैं तो वहां पर एडमिशन ओपन होते हैं वेरियस कोर्सेज के तो आप इनमें एनरोल कर सकते हैं जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं दैट इज बी एम एस सब में ही एंट्रेंस लगता है तो इन एंट्रेंस की आपको तैयारी करनी पड़ेगी बुक्स वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन आप इस वीडियो का चेक कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी मैं आपके लिए कमेंट पिन कर दूंगा बुक्स वगैरह का तो आप वहां से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं राइट चलिए स्टार्ट करेंगे सेकंड सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो है बीबीए का बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पहला था बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस को रन कैसे करना है बिजनेस में वेरियस वेरियस डिपार्टमेंट्स आते हैं उन डिपार्टमेंट्स को अफेक्टिवली मैनेज कैसे करना है

तीनों कोर्सेज या फिर अलग जो और कोर्सेज बताने वाला हूं उनका डिफ्रेंस आप देख सकते हैं बीबीए कोर्स इज स्टडी ऑफ बिजनेस रिलेटेड फील्ड एज फाइनेंस हो गए ये डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स हो गया बैंकिंग डिपार्टमेंट होता है इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको अफेक्टिवली कैसे रन और मैनेज करना है ये बीबीए का कोर आसपेक्ट है बीएमएस की बात करें बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की तो जितनी भी मैनेजमेंट में स्टडीज होती है ये मैनेजमेंट होता है उनकी स्टडी इफेक्टिवली प्रैक्टिकल तरीके से स्टडी कराना कि एक्चुअल में चीजें कैसे करवाई जाती है करनी कैसे है चीजें जब आप उस डिपार्टमेंट uh, का पार्ट बनेंगे क्लियर हो पा रहा है एवरेज फीस ऑफ द कॉलेजेस में रेंज फ्रॉम बी से थे थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर ज्यादा रहता है सेवन टू एट लाख रुपीज तक इसका फीस स्ट्रक्चर जा सकता है प्राइवेट कॉलेजेस का बीबीए तीन साल का बीबीए ग्रेजुएट संवेरणाओं तीन से पांच लाख रुपए अर्न कर सकते हैं और तीन से पांच साल के एक्सपीरियंस के बाद फाइव टू एट लाख रुपीज अर्न कर सकते हैं अगर आपने अच्छे कॉलेजेस से अपना बीबीए uh, कोर्स करा है बेस्ट कॉलेजेस की बात करेंगे शहीद सुखदेव न्यू दिल्ली सेंट जेवियर uh, कोलकाता सिम्बोसिस uh, पुणे केशव महाविद्यालय न्यू दिल्ली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर दीनदयाल दिल्ली निम्स मुंबई जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर जामिया मिलिया न्यू दिल्ली आईसीएफआई बिजनेस स्कूल हैदराबाद निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद एम ग्लोबल नोएडा अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर तो ये हमारे बीबीए के कॉलेजेस हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं तीसरे नंबर का जो हमारा बिजनेस कोर्स है वो है बी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसको बी भी बोला जाता है राइट पहला बी दूसरा कोर्स बीबीए बीबीएस भी कोर्स हम डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाला हूं इन तीनों में अगर कंफ्यूजन है तो कौन सा कोर्स को ज्यादा आप प्रिफ्रेंस दें BMS करें बीबीए करें या फिर बीबीएस करें तीनों के बीच में बताने वाला हूं एंड ऑफ द वीडियो बने रहिएगा ठीक है बच्चा चलिए बीकॉम के थ्रू भी हम बिजनेस मैनेजमेंट की नॉलेज गेन कर सकते हैं बीकॉम इन बी एडीएम कर ये भी तीन साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि बिजनेस और मैनेजमेंट की नॉलेज हमें प्रोवाइड कराता है यहां पर अकाउंटिंग फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं फीस रिलेटिवली बहुत सस्ता रहता है दो से तीन लाख या फिर लेस देन टू लैख में आपका तीन साल का बीकॉम इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है अगर हम सैलरी की बात करेंगे तो थोड़ा सा क्योंकि ये एक रेगुलर कोर्स है तो अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो यहां पर दो से पांच लाख रुपए आपका इनिशियल सैलरी पैकेज रहेगा आप एक्सपीरियंस के बाद पांच से आठ लाख रुपए अर्न कर सकते हैं अगर कॉलेजेस की बात करेंगे तो कनोड़िया पीजी महाविद्यालय जयपुर प्रताप यूनिवर्सिटी जयपुर आर के तलरेजा कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स मुंबई अलंकार पीजी गर्ल्स कॉलेज जयपुर न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अहमदनगर स्टेनी मेमोरियल पीजी कॉलेज जयपुर एस एस जैन सुबोध पीजी कॉलेज जयपुर यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज जयपुर आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर तो ये हमारे बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कॉलेजेस हैं जो कि बीकॉम बी ए में बिजनेस के नॉलेज में आपको

इकोनॉमिक्स कैसे यूज में आती है डिसीजन मेकिंग और कैसे इफेक्टिव बनाई जा सकती है अगर एक ऐसा मैनेजर है जिसको बिजनेस इकोनॉमिक्स की नवज है नवज है नॉलेज है मार्केट की समझ है क्योंकि मार्केट की समझ अगर किसी एक मैनेजर को है उसके डिसीजन मेकिंग उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है नेक्स्ट uh, पॉइंट है बीबीए बीबीई ग्रेजुएट बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट एज ए इकोनॉमिस्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑडिटर रिसर्च एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट डाटा एनालिस्ट स्टैटिशियन ंडर राइटर बजट एंड फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं ऑन एन एवरेज दो से पंद्रह लाख नियर अबाउट बारह से पंद्रह लाख तक एक एवरेज सैलरी पैकेज रहता है क्योंकि बहुत ही हाईएस्ट अर्निंग जॉब है अगर एक इकोनॉमिस्ट है एक बिजनेस एनालिस्ट है फाइनेंशियल एनालिस्ट है तो वो टॉप लेवल की जॉब है बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है इनिशियल वे में आप थोड़ा सा बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करेंगे मिडिल लेवल से स्टार्ट करेंगे लेकिन समय के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत अच्छा पैकेज यहाँ पर बिजनेस की समझ रखने वाला प्लस इकोनॉमिक्स की समझ रखने वाले ग्रेजुएट को मिलते हैं कॉलेजेस की बात करेंगे गागी कॉलेज न्यू दिल्ली सेंट सेवियर पटना कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज न्यू दिल्ली बैनेट यूनिवर्सिटी नोएडा आर्यभट्ट कॉलेज पटना महाराजा अग्रसेन कॉलेज न्यू दिल्ली श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज न्यू दिल्ली एम यूनिवर्सिटी नोएडा श्री श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज न्यू दिल्ली तो ये हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स को फोकस करते हुए बी एम बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉप कॉलेजेस थे नेक्स्ट फिफ्थ वन है बी बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज बिजनेस की स्टडीज आपको करवाते हैं ये थोड़ा सा थियोरटिकल ओरिएंटेड है आ, लेकिन इंटरेस्टिंग है बिजनेस से जुड़े काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं बीबीएस भी तीन साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है जहां पर फिफ्टी परसेंट अगर आपका ट्वेल्थ में था तो एडमिशन होने के पूरे चांसेस हैं बीबीएस कोर्स में प्राइमरी फोकस होता है मार्केटिंग इकोनॉमिक्स एचआर फाइनेंशियल पार्ट बजटिंग कंप्यूटिंग और अकाउंटिंग कोर्सेज को ज्यादा तवज्जो या इंपॉर्टेंस दी जाती है इन एन एवरेज यहां पर पांच से छह लाख पर एन तक एक बीबीएस ग्रेजुएट अर्न कर सकता है बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज बिजनेस की यहां पर स्टडी करना राइट तो ये फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है राइट अगर कोई भी स्टूडेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या जा रहा है तो कौन कौन से चीजें उसको प्री रिक्वेस्ट है पहले से ही पता होने चाहिए आ, कैसे फाइनलाइज करनी है लोकेशन कौन कौन से मैन पावर लगते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं राइट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है फॉरेन ट्रेड करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं राइट बिजनेस एनवायरमेंट की समझ तो ये बिजनेस रिलेटेड आस्पेक्ट में है बी और बीबी अलग चीजें हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस राइट मैनेजमेंट की स्टडी करता है राइट डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं उनका वर्क नेचर क्या होता है उन वर्क नेचर को समझाने की कोशिश करता है बीएमएस बीबीए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उनका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है राइट ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या करता है फाइनेंस right? क्या, क्या करता है तो वो नेचर को समझाने का काम करता है वहीं पर बिजनेस कैसे करना है बीबीएस समझाता है रहा है अब बात आती है सर तीनों में से कौन से कोर्सेस हमें करने चाहिए उससे पहले ये हमारे बीबीएस के कॉलेजेस पे नजर डाल लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं शहीद सुखदेव न्यू दिल्ली महाराज अग्रसेन न्यू दिल्ली इंदू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डेली कॉलेज बिजनेस स्कूल इंदौर केशव महाविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज दिल्ली कॉलेज न्यू दिल्ली रामानुजन कॉलेज न्यू दिल्ली राइट तो ये हमारे कई बीबीएस ऑफर करने वाले कॉलेजेस हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं